समस्तीपुर में डीजे की धुन पर पिस्टल और शराब के साथ डांस करते हुए वीडियो और सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, दहशत में है लोग। जी हां, समस्तीपुर जिले के विभूतिखंड थाना क्षेत्र के गांव में कार्यक्रम के कुछ युवकों द्वारा डीजे की धुन पर पिस्टल और शराब की बोतल हाथ में लेकर लहराता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि प्रखंड के एक गांव में रविवार से सोशल मीडिया पर एक फोटो और वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वायरल फोटो में अलग अलग तरह के पोस्ट में निडर अवस्था में कुछ युवकों द्वारा पिस्तौल लेकर अलग अलग फोटो खींच कर वायरल किया गया है, जिसको लेकर लोगों में भय व्याप्त है। शराब की बोतलें शराबबंदी कानून का पोल खोल रहा है कि बिहार में शराबबंदी कितनी प्रभावी है, किस तरीके से शराब की बिक्री खंड में धड़ल्ले से चल रही है, जो वायरल वीडियो पोल खोल रहा है। लोगों में चर्चा बनी हुई है कि जिस तरीके से युवक हथियार और शराब बंद बोतल के साथ नजर आ रहे हैं, उसमें अमन चैन बिगड़ने की संभावना बनी हुई है। वायरल वीडियो में यह स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है कि तीन युवकों को आपस में कई पिस्तौल और शराब की बोतलें लेकर डीजे की धुन पर ठुमका लगाते हुए जश्न मना रहे हैं, और उसके साथ ही युवक नृत्य में शादी समारोह में पहनने वाले माला पर गले में है, उसके साथ ही जश्न मना रहे। वहीं दूसरी अलग पोस्ट में पिस्तौल के साथ वायरल वीडियो हुआ, लेकिन इसके साथ ही माहौल दहशत का माहौल कायम करने के लिए प्रयास किया गया। वहीं थाना अध्यक्ष चंद्रकांत गौरी ने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी नहीं है, जानकारी मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर डीएसपी सहरिया रफ्तार ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से मुझे वीडियो प्राप्त हुआ, जो विभूतिखंड थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यह कौन है स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह भय से कोई लोग बोल नहीं पा रहे। जो समाज में अमन चैन समाप्त कर गांव में दहशत का माहौल कायम करने के लिए प्रयास किया गया है, वीडियो में जानकारी नहीं है, जानकारी मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा वैसे प्राप्त वीडियो किसी पार्टी या फंक्शन या शादी पार्टी का लग रहा है, इसमें चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, उसे चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इंडिया समाचार के लिए यदि हमारे संवाददाता संतोष कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। क्या मामला है आपका? मामला ये है भैया, 40 साल से विगत विदिशा रैक पॉइंट जो था, जो चल रहा था, उसमें विगत मेरी ये लेबर है, ये तो अभी इनके बच्चे काम कर रहे हैं, पहले इनके पिताजी काम करते थे 40 साल पहले, तो वो काम पूरा सुचारू रूप से और बड़ी ईमानदारी से करते हैं। ठेकेदारों को भी कोई दिक्कत नहीं होती थी हम लोगों के काम से। अब रेलवे ने पूरा ये विदिशा रैक पॉइंट हटा के सौराई शिफ्ट कर दिया है। अब पूरा ये विदिशा पोर्टल ही उनने बंद कर दिया है, यह रैक लगने का सवाल ही पैदा नहीं उठता, जब सरकार ने वहाँ पर 17-18 करोड़ रुपये का रैक पॉइंट बनवाया है, और वो सिटी से दूर भी है। सिटी में जो आवागमन के कारण, ट्रैफिक के कारण यहाँ संभव नहीं था ट्रक आना, 150-200 ट्रक आते थे सिटी में, तो दिक्कतें भी थी, एक्सीडेंट भी हुए हैं कई, तो सरकार ने उसको देखते हुए रैक पॉइंट कर दिया सिटी से बाहर। अब वो रैक पॉइंट वहाँ जाता है, तो ये जो मेरी लेबर है 150, ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, सौराई काम करने लगेगी। अब मेरी लेबर का ये रहता है कि मैं यहाँ का, ये सिद्धेश्वरी हमारी यूनियन है, मेरी संस्था है, रजिस्ट्रेशन है मेरा, और जो मैंने 2014 में श्रम विभाग भोपाल से बनवाया था, इसका पूरा पंजीयन करवाया था मैंने इसका। अब मेरी लेबर के अगर मंडी जाती है तो मंडी वाले मना कर देते हैं मेरे लेबर को कि आप मंडी में काम नहीं करोगे, आप रैक पॉइंट के हो। वेयरहाउस में जाती है, वेयरहाउस वाले ऑलरेडी पहले ही भरे रहते हैं वेयरहाउस, तो मेरी लेबर को वो क्या लगाएंगे, उनका भी सही है, मंडी वालों का भी सही है, वेयरहाउस वालों का भी सही है। अब जो सौराई शिफ्ट होगा तो मेरी लेबर स्वाभाविक है, जैसे निषादपुरा में रैक पॉइंट हुआ था सूखी सामनिया, तो वहाँ की लेबर सूखी सामनिया चली गई थी, अब मेरी लेबर सौराई जाती है। हमारा कहना मतलब जो है कि राजन ठाकुर ने ठेका नहीं है, ठेका किसी का नहीं रहता, वो व्यापारी के ऊपर रहता है कि व्यापारी को किस लेबर से काम करवाना है, ठेकेदार उनके ऊपर तो मेरा कहना है मतलब भंजान की लेबर काम करे ना, कौन मना करे। वो धमकी दे रहा है राजन ठाकुर के, गोली मार देंगे, टांगे काट देंगे, सिद्धार्जन तेरे अध्यक्ष की भी और तेरे भी, चमरे वालों तुम्हारी माँ का बहन का, आगे गालियाँ दी कल उसने रैक पॉइंट पे, शाम को मुझे गालियाँ दी, मेरी लेबर को गाली दी कि तुम्हारी टांगे काट देंगे, वहाँ तो एक ही बन में ना आर्मी है, और ये गांजे का भी काम करता है। कौन करता है? राजन ठाकुर। और वहाँ दारू भी बिकवाएगा रैक पॉइंट, बहुत तो सत्यानाश हो जाएगा पूरे रैक पॉइंट का, और मेरी जो 150 लेबर है जो जाएगी कहाँ, भूखो मरने की नौबत आ जाएगी। क्या चाहते हो आप? अरे काम करना चाहती है मेरी लेबर वहाँ, जो मेरी लेबर है जिसका जो 40 साल से काम कर रही है, वही अब करना चाह रही है, सो रही गया तो उससे क्या होता है? लेबर दारू पीती है क्या? लेबर तो दारू सब पीती है, लेकिन हाँ लेबर काम के समय दारू नहीं पीती, जब काम से निपट जाती उस समय दारू पीती है अपने घर पे आके। तो राजन ठाकुर लीगल है क्या? अनलीगल? अनलीगल है, लीगल है ही नहीं है वो, कहीं काम लिया है कभी जीवन में? काम नहीं करा कोई सा भी उन्होंने? उन्होंने सुना है कि काम लिया है उन्होंने रेलवे का, रेलवे का एथोराइज ही नहीं है, जब मैं इतना बड़ा पूरे आपको सबूत दे रहा हूँ, मेरा पंजीयन है सब है, वो एथोराइज ही नहीं है, रेलवे एथोराइज करती नहीं है किसी को, जो ठेकेदार को एथोराइज करती है, ठेकेदार एथोराइज करता है लेबर को कि हमें इस लेबर से काम करवाना। ठीक ठीक हो गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं?
विभिन्न माध्यमों से मुझे भी वो वीडियो अभी प्राप्त हुआ है और बताया जा रहा है विभूतिपुर क्षेत्र का, लेकिन कौन है क्या अभी स्पष्ट हो नहीं पाया है। लेकिन हम लोग इसको चूँकि स्पष्ट दिख रहा है, उसमें फोटोग्राफ वगैरह है, मतलब वीडियो है, तो चेहरा भी दिख रहा है, हथियार लहराया जा रहा है, कोई पार्टी वार्टी का या शादी का कुछ फंक्शन लग रहा है, तो हम लोग उसको चिन्हित करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसमें हम लोग करेंगे।